नमस्कार, आज मैं आपको मसाला पीसने का एक आसान तरीका बताने वाला हूँ। किसी भी खलबत्ते के बिना या क्रशिंग बाउल या ग्राइंडर के बिना हम मसाला कैसे पीस सकते हैं आसानी से और कम वक्त में। इसके लिए हमें एक पेपर लेना है। मैंने ड्राइंग पेपर का इस्तेमाल किया है, वो बहुत जाड़ा रहता है, या फिर आप कार्डबोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। यह है पाव भाजी स्मैशर, मैं इसका इस्तेमाल करने वाला हूँ मसाला बारीक करने के लिए। आप कटोरी भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ इस तरह से पकड़ के सब मसाला बारीक कर सकते हैं। हम बेलन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आसानी से हमें हमारे किचन में अवेलेबल रहेगी। हम इस अभी स्टार्ट करेंगे मसाला पीसने का तरीका। ये पेपर लीजिए, उसे इस तरह से फोल्ड कीजिए। हम पहले लेने वाले काली मिर्च, मैंने 6-7 काली मिर्च ली है और मैं इसमें अभी डालने वाला हूँ काली मिर्च। फिर से उसे फोल्ड कीजिए और फोल्ड करने के बाद उसे लॉक करना मत भूलिए इस तरह से, जैसे कि पीसते वक्त वो मसाला बाहर नहीं आना चाहिए। यह लिया मैंने पाव भाजी स्मैशर और मैं इस तरह से उसे पीसने वाला हूँ। दोनों साइड से अच्छे से पीस ले और हम बीच में से निकाल के देखेंगे कितना ये बारीक हो चुका है। अगर आपको ज़्यादा बारीक चाहिए तो और थोड़े देर पीस सकते हैं। ओके, अब हम इसे खोल के देखते हैं। अच्छा खासा बारीक हो और आपकी काली मिर्च की पाउडर रेडी है। अभी हम लेंगे लौंग, ये 4 लौंग लिए और हम सेम तरीका इस्तेमाल करने वाले हैं। ये मैंने पेपर फोल्ड कर दिया है, लॉक कर दिया है और उसी तरह से मैं उसे स्मैश करने वाला हूँ। हो गया स्मैशिंग और आपकी लौंग की भी पाउडर रेडी है। अभी हम छोटी इलायची को पीसने वाले हैं। ये मैंने छोटी इलायची ली, पेपर फोल्ड कर दिया और इसे मैं स्मैश करूँगा। इसे 2 स्टेप में हमें पीसना है। फर्स्ट स्टेप में हम इसे स्मैश करेंगे और उसके छिलके अलग करके रख देंगे साइड में। अभी हम जो छोटी इलायची के अंदर के सीड्स है उसे पाउडर फॉर्म में पीस देंगे उसी तरह से, और हमने इसे स्मैश कर दिया है और हमारा छोटी इलायची का पाउडर भी रेडी है और आपके मसाले के पाउडर रेडी है। बहुत आसानी से कम समय में और बिना किसी ग्राइंडर या खलबत्ते के सिवाय। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाते रहूँगा। धन्यवाद।